बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल टाइप का चिकन ग्रेवी बनाने की रेसिपी। ये मसाला चिकन है और इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ है। इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं इसमें से 2 चम्मच डालने वाली हूँ। ये 200 ग्राम दही लिया हुआ है, ये 1 बड़ा प्याज लिया हुआ है मैंने। इसको बारीक बारीक काटना है आपने, रफली चॉप नहीं करना है क्योंकि हमें इसका भी इसको जो है घी में डाल के इसको लाल करेंगे। 1 चम्मच नमक, कुछ मसाले मैंने साबुत लिए हुए हैं, मैं इनको भी रोस्ट करूंगी। 4 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा और ये 4 मैंने लाल साबुत मिर्ची ली हुई। इसके अलावा मैं ये प्याज भी लूंगी। इसको अभी हम जब हम इसके ग्राइंडर में डाल के इसको पीसेंगे तो ये प्याज भी साथ में डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने करना ये है कि मैंने जो है ऑयल डाला हुआ है, सबसे पहले हमने ऑयल डाला हुआ है और मैं सबसे पहले प्याज को फ्राई करूंगी क्योंकि हम जो मैरिनेशन में जो प्याज डालेंगे वो आज हम फ्राई करके डालेंगे। प्याज फ्राई होने में 1 मिनट रह गया है, ये देखिए बस बिल्कुल तकरीबन ये हो चुकी है। मैं इसे बराबर चलाती जा रही हूँ और मैं अब जो है फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और अब मैं इसको ऑयल में से निकाल के, थोड़ा ठंडी हो जाएगी है तो मैं इसको पीस लूंगी ग्राइंडर में डाल के। ये प्याज मैंने पीस ली है और मैं इसको सबको मैरिनेशन के लिए डाल रही हूँ चिकन में। दो चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये मैंने पहले ही 1 चम्मच जो है वो निकाल के रखा हुआ है नमक, और 200 ग्राम दही, ये मैं सब डालूंगी। और अब ये 4 चीजें डाल के मैं जो हूँ इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिला के और हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इतने हम ये करेंगे कि हमें जो ड्राई रोस्ट मसाले करने हैं हम वो उनको तैयार कर लेंगे। एक घंटे के लिए मैं इसको ढक के छोड़ रही हूँ और अब हम जो है दूसरी तैयारी कर लेते हैं अपनी। और अब मैंने ये 3 चीजें आपको बताया था, ये इन्हें मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। लाल साबुत मिर्च, ये 4 थी, मैंने इनको बीच में से काट लिया है। साबुत धनिया और जीरा, इसको हम ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको हम पीसेंगे। ड्राई रोस्ट करने से जो है मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर से आपको 3 या 4 मिनट इसको कर लेना है, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। देखिए अभी 1 मिनट हुआ है सिर्फ और उसमें से खुशबू उठने शुरू हो गई। ये 3 मिनट लगे होंगे सब मुश्किल से और मैंने इसको जो है एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डालूंगी मैं। ये ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ।
ये मैंने आधी प्याज ये रफली चॉप करके रखी हुई है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, हाफ टी स्पून, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी इसको पेस्ट बनाने के लिए, लेकिन बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ज्यादा नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाह, ये इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और आप इसको ना बिल्कुल भी दानेदार मत रहने दी, दरदरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो जो दाने मुंह में आएंगे फिर वो टेस्ट पे अच्छे नहीं लगेंगे। और अब मैं इसको ऑयल में डालने जा रही हूँ। और मैं इसको पूरे 10 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी अच्छे से। और मैं इसकी भुनाई करूंगी जब तक ये बिल्कुल जो है मसाला जो है वो तेल से अलग नहीं हो जाएगा। ये देखिए, ये भुनने पे आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसको पूरे 10 मिनट इसकी भुनाई करी है, और बीच में इसका पानी सूख गया था, बिल्कुल ये भुन गया था, तो मैंने इसको पानी और डाल दिया था इसके अंदर आधा कप, ताकि इसको आपने 10 मिनट तो जरूरी पकाना है और तभी इसका मसाला का कच्चापन निकलेगा। और ये देखिए पूरी तरीके से भुन चुका है। और अब मैं जो हूँ उसमें जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ है 1 घंटे से, मैं वो इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा चिकन मैंने इसमें रख दिया है, और जो मसाला बचा है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये सब हमने इसमें डाल देना है। और अभी मैं इसको चला भी रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही ढक के हल्के हल्के चला देते हैं, और मैं इसको ढक के भी छोड़ रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको पकते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं दही ने और गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। तो जब तक ये पूरी तरीके से पानी और गोश्त का जो पानी है, दही का पानी है, सूख नहीं जाएगा, तब तक मैं इसको पकाती रहूंगी। और मैंने इसको भी मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। ये देखिए, इसको पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है ये मसाला जो है घी से अलग नहीं हुआ है, तो मैं इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी, जब तक कि पूरी तरीके से भुन नहीं जाएगा। मसाला पूरी तरीके से भुन चुका है, और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देगी मिर्च, और हम इसके ऊपर से डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये अब पूरे स्पेशल मसाला चिकन ग्रेवी जो है पूरी तरीके से पक के तैयार हो चुका है, और अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। स्पेशल मसाला चिकन ग्रेवी मैंने सर्व कर दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में ये जरूर याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।